नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे BCA के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं BCA क्या है, BCA करने के फायदे क्या है और दोस्तों BCA करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BCA क्या है, BCA करने के फायदे क्या है और दोस्तों अगर आप BCA कोर्स कर लेते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं BCA क्या है। दोस्तों BCA का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सिखाता है। दोस्तों BCA में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डाटाबेस मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करने वाले BCA करने के फायदे क्या है। दोस्तों अगर आप BCA कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको IT इंडस्ट्री में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। दोस्तों BCA करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल में सुधार होता है। दोस्तों अगर आप BCA कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों BCA करने के बाद में आप अपने खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर BCA करने के फायदे के बारे में तो बात कर ली। दोस्तों अब यहाँ पर हम BCA करने के नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों BCA एक टेक्निकल कोर्स है इसलिए इसमें आपको मैथ्स और साइंस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों BCA कंप्लीट करने के बाद भी आपको अपने स्किल्स को अपडेट करना होगा क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी बदलती है। दोस्तों BCA में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए दोस्तों अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो दोस्तों आपको BCA में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर BCA करने के फायदे और नुकसान के बारे में तो बात कर ली। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं BCA करने के बाद में दोस्तों आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, जॉब आफ्टर BCA। दोस्तों अगर आप BCA कोर्स को अच्छे से कम्प्लीट करते हैं तो दोस्तों BCA करने के बाद में आपको IT इंडस्ट्री में कई तरह की जॉब मिल सकती है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और भी दोस्तों कई तरह की जॉब आपको IT इंडस्ट्री में मिल सकती है BCA करने के बाद में। दोस्तों BCA कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आप खुद के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, खुद के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, खुद की वेबसाइट्स बना सकते हैं और दोस्तों अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा BCA क्या है, BCA करने के फायदे, BCA करने के नुकसान। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है तो दोस्तों BCA एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों BCA को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, 100% आपका रिप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।